जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को देखते हुए यमुना अथॉरिटी द्वारा जेवर क्षेत्र में परिसीमन क्षेत्र के बाहर प्लॉट खरीदने और निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है, जिस कारण जेवर क्षेत्र की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जो लोग लाल डोरे से बाहर अपने मकान बना चुके हैं, अपने मकान बनवा रहे हैं, वह काफी सहमे हुए हैं और अपनी समस्या के निवारण हेतु सरकार से गुहार लगा रहे हैं। समस्या ये आ रही है, ये जो लाल डोरा जेवर के कतई अंदर कर रखी है, जबकि सीमा बढ़नी चाहिए। ये 15-20 साल का ही समस्या है ये। हाँ। ये लाल डोरा में इसका सीमा का सीमांकन होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा तहसील प्रांगण में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत जेवर के अलावा जहांगीरपुर, रबूपुरा और दंडकौर क्षेत्र में भी परिसीमा क्षेत्र बढ़ाने की मांग की गई, जिसके तहत SDM जेवर गुंजा सिंह को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसकी आबादी नगर पंचायत और ग्राम में बनी हुई है, वह भय में जी रहा है। इस आवाज को लेकर भारतीय लोक शक्ति दीपावली त्योहार के बाद जेवर तहसील परिसर में जनता की आवाज बुलंद करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, और यह दिया जाएगा त्योहार बाद। यहाँ जब तक यह काम नहीं होगा या हम आश्वस्त नहीं होंगे सरकार की तरफ से, कोई बड़ाधिकारी, जिलाधिकारी हो या कोई कमिश्नर हो, बड़ाधिकारी आकर के यहाँ घोषणा नहीं करेगा कि भाई परिसीमन बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, काम शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने क्षेत्र की इस समस्या को लेकर जेवर प्रेस के साथ बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। मैं इस वक्त भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह के साथ हूं, जो जेवर क्षेत्र की जनता के लिए काफी समय से उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, कार्यरत हैं उनके लिए। अभी जल्द ही में जेवर क्षेत्र के लोगों के लिए सामने एक समस्या आ रही है कि जो लाल डोरा या कहें कि परिसीमा क्षेत्र जेवर का जो है, वो पिछले कई साल, कहें तो लगभग 20 से 30 साल से वो क्षेत्र बढ़ाया नहीं गया है। इस बाबत हमारी अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने भी अपनी राय रखी है। मैं चौधरी साहब से जानना चाहूँगा, भाई साहब लोगों का क्या कहना है, क्या मांग रख रहे हैं वो अभी अपने सामने? ऐसा है, जब से देश आजाद हुआ है तब से चाहे गांव हो या कस्बा हो या शहर हो, जो नक्शा शुरू में चकबंदी के समय पर बना दिया गया वहीं की वहीं है, उसका कहीं विस्तार नहीं किया गया, कहीं कोई सर्वे नहीं किया गया, कागजों में उसको दर्ज नहीं करवाया गया। चूंकि जहां प्राधिकरण नहीं है, अधिकरण नहीं है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां प्राधिकरण आ गए, डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई है, वहाँ वो उस जमीन को जिसमें आबादी बनी हुई है उसको अधिग्रहण करते हैं और आम आदमी के सामने समस्या आती है। अब यहाँ जेवर एयरपोर्ट आया है जेवर में, तो अब प्राधिकरण के कागजों में या जो सरकारी राजस्व के जो अभिलेख हैं उनमें समय अभिलेखों में वो कृषि भूमि दर्ज है, आबादी दर्ज नहीं है। कृषि भूमि दर्ज है तो प्राधिकरण उसको अपना मानता है। हमने प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण जी से ही बात करी, जेवर के EO से भी बात करी जो शासी अधिकारी है। सच्चाई यह है कि आज तक किसी ने शासन प्रशासन को प्रस्ताव ही नहीं भेजा। EO कहता रहा कि मैंने प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन प्रस्ताव नहीं गया। हमने अथॉरिटी के डॉक्टर अरविंद जी से बात की, वो बोले हमसे किसी ने आज तक नो आपत्ति सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं। अगर हमसे कोई मांगता है और हम उस पर आपत्ति नहीं देते हैं तो जब तो हम पे सवाल उठेगा, हम आपत्ति देने के लिए तैयार है, हमसे कोई आपत्ति मांगे तो जी। समस्या ये है कि गांव में भी हमने आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक लेटर भेजा है कि खेतों की खतौनी की तर्ज पर घरों की घरौनी तैयार कराई जाए, क्योंकि कितनी जमीन मुंह बोली जमीन है, जमीन पर नीचे नाम किसी का है और मकान किसी ने बना रखा है, मुंह बोली जमीन पहले पैसा देकर के ले ली थी, उनमें समस्या आ रही है, या कृषि भूमि दर्ज है वहां समस्या आ रही है, और वही समस्या कस्बे पर आ रही है। तो जो जेवर में गुंजा जी जो SDM है, अपर गुंजा सिंह अपर जिलाधिकारी है, उनको ज्ञापन दिया कि दनकौर, रबूपुरा, जहांगीरपुर, जेवर, इन सभी कस्बों का परिसीमन बढ़ाया जाए और इसका प्रस्ताव पास करके माननीय चेयरमैन के द्वारा अपने बोर्ड से होता हुआ शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। अगर यह प्रस्ताव भेजते और शासन नहीं करता है तो आंदोलन की बात जब उठती है, लेकिन जब EO यहां से प्रस्ताव ही नहीं भेजेंगे तो भाई शासन को क्या आगा जा रहा है, क्या चल रहा है? शासन की कमी नहीं, यहाँ के अधिकारियों की, जो चेयरमैन रहे या जो अधिकारी रहे,
या प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गांवों की आबादी बढ़ गई है, गांवों का विस्तार हो गया है, कस्बों का विस्तार हो गया है, उसको राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन चौधरी साहब, अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो अगर एयरपोर्ट यहाँ आ रहा है तो अथॉरिटी इस तरफ ध्यान दे रही है जैसा मुझे लगता है, लेकिन कुछ सीमा भी ऐसी है कि जो कि बिल्कुल लगी हुई है जेवर क्षेत्र से, वहां पे लोगों ने अपनी प्लॉटिंग की, उसकी वो प्लॉटिंग तोड़ दी गई है, अभी जल्दी में सुनने में आया है। तो जिन लोगों ने क्षेत्र की सीमा से बाहर प्लॉट ले रखे हैं या अपने मकान बना रखे हैं, जबकि वो मकान ईओ जेवर अधिशासी अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं अपने यहाँ, और वो आबादी क्षेत्र से अगर बाहर है तो रजिस्ट्रार उन्हें फिर रजिस्ट्री किस बिना पे कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी यहाँ जेवर ईओ से बात हुई, जो अधिशासी अधिकारी है यहाँ नगर पंचायत का, मिनकी भाई आपने जितने भी मकान जेवर में बने हैं सबका नक्शा पास किया है अपने यहाँ से करके, जब आप नक्शा पास करते हैं उसका मकान बनवाते हैं, भवन निर्माण करवाते हैं, तो उसकी सुरक्षा का भी दायित्व आपका ही बनता है, क्योंकि आप नक्शा पास करवाने में जो टैक्स होता है वो टैक्स वसूल करते हैं, नगर पंचायत का जो पैसा है कोटे का वहां तुम नाली खरंजा बनाते हैं, तो आप उसको जो जहां जहां तक आपने नक्शा पास कराया है वहां तक आपको जो है अपना सीमा विस्तार करके शासन को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हमको फला धारा में अधिकार है, फला भाई धारा में क्या अधिकार है? जब प्राधिकरण ने आकर के बुलडोजर चला दिया तो आपका अधिकार उस समय कहां चला गया? भाई हिंदुस्तान पर पाकिस्तान गोला बरसाता है आकर के, और हिंदुस्तान कहता है कि हमें अपनी सीमा का सुरक्षा का अधिकार है, तो भाई क्यों नहीं जवाब दिया? अगर यहाँ के नगर चेयरमैन को, यहाँ के ईओ को अपनी जेवर कस्बा का जहां तक उन्होंने नक्शा पास कराए वहां तक उन्हें अधिकार है, तो उनको अथॉरिटी को रोकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रोक पाए क्योंकि कागजों में अथॉरिटी मजबूत है और ये कागजों में कमजोर है, इन्होंने आज तक परसीमन बढ़ाया ही नहीं। और मैं चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस आवाज को इतना बुलंद करें कि माननीय जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उन तक भी ये आवाज पहुंचे, और प्रमुख सचिव साहब और जो इनके सचिव हैं जो कस्बों के परसीमन बढ़ाते हैं उन तक आपके द्वारा आवाज पहुंचे। हमने भी ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, और हम चाहते हैं कि आम जनता की समस्या ना रहे, निपटे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जेवर क्षेत्र की मुख्य समस्या को काफ़ी जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर जल्द ही में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा चुका है, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आंदोलन होगा, नहीं बात करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और पुरजोर आंदोलन करेंगे, जनता के लिए जी रहे हैं, किसान मजदूर के लिए जी रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनेगी, यहाँ का प्रशासन नहीं सुनेंगे और चारों पांचों कस्बों के अधिकारी जो है वो नहीं सुनेंगे, तो पूरी ताकत से आंदोलन किया जाएगा, भले ही उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े, हमें भुगतना पड़े, जनता के लिए लड़ेंगे। जेवर समेत कई क्षेत्रों में लंबे समय से परिसीमा अर्थात आवासीय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, जिस कारण निश्चित सीमा के बाहर बने मकानों और प्लॉट खरीदारों को इस समय काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि लोगों की समस्या का निवारण कब तक हो पाता है।